गुड इवनिंग फ्रेंड्स मैं हूँ रजनीश और आज हम आर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो आर आपका रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट जो सब्जेक्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो लोग डेली यूज अपने घर वर बनाते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है इन सभी चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी है जो लोग अपने घर बना रहे हैं इस टाइप तो जो आपका आई कोड है आर के लिए वो है आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड तो ये टू थाउजेंड में आखिरी बार आ, एडिट हुआ था तो आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड है उसके बाद इसके रिवाइज आए हैं पहला हम देखेंगे फ्लैक्जरल स्ट्रेंथ तो फ्लैक्जरल स्ट्रेंथ है वो आपकी कॉन्क्रीट की फ्लेक्जरल स्ट्रेंथ है ये तो ये है एफ से इसको डिनोट किया जाता है तो ये होता है पॉइंट सेवन रूट एफ के और ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में इसका यूनिट है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर उस और जो ये एफ सी के है ये आपका करेस्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है क्यूब स्ट्रेंथ भी कह, कहते हैं इसको तो आपकी फ्लैक्ल स्ट्रेंथ है आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इसका फॉर्मूला हो गया पॉइंट सेवन रूट सी के नेक्स्ट है हमारा इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट तो इसको ई सी से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला है ई सी इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड रूट रूट एफ सी के एफ सी के आपका फिर से वही हो गया कैरेस्टिकस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और इसको भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में मेजर किया जाता है तो ये आपकी ई सी हो गई इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट एक्चुअल जो मेजरमेंट होता है वो प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट हो सकता है इलास्टिक मॉडुलस का और हम एक एग्जांपल देखेंगे देखिए जैसे एफ सी के है तो एम ट्वेंटी फाइव कॉन्क्रीट है एम ट्वेंटी फाइव कॉन्क्रीट के लिए आपका एफ सी के ट्वेंटी फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होगा और इसके लिए आपको ई सी निकालना है तो ई सी हो गया फाइव थाउजेंड रूट ट्वेंटी फाइव तो ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह एफ सी आर इसके लिए पॉइंट सेवन इंटू रूट ट्वेंटी फाइव तो ये थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ट्वेंटी फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो फ्लेक्जरल स्ट्रेंथ है वो थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है तो कंक्रीट टेंशन में बहुत कमज़ोर होती है इसीलिए टेंशन में इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील इसके साथ प्रोवाइड कराया जाता है नेक्स्ट जो है हमारा वो क्रीप है तो क्रीप आपका हो गया डिफॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्स्टेंट लोड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम अगर आपका लॉन्ग टाइम के लिए किसी मेम्बर पर लोड लगा हुआ है उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है वो आपका क्रीप होता है और आपकी क्रीप की वैल्यू अलग अलग होती है सेवन डेज़ के लिए अलग होती है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट डेज़ के लिए अलग होती है और जो आपका वन ईयर है उसके लिए अलग होती है वर्केबलिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या है तो वर्केबलिटी है हमारी कि हमको कॉन्क्रीट वर्क करने के लिए कितनी सही है तो ये आपकी वर्केबलिटी हो गई तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के जो मेजर किया जाता है ये स्लम टेस्ट से मेजर किया जाता है तो लो वर्केबल कंक्रीट होगी आपकी तो पच्चीस से पचास एम mm होना चाहिए था यहाँ पे ये राइटिंग मिस्टेक हो रखा है पच्चीस से पचास एम लो वर्केबल कंक्रीट होती है और जो मीडियम वर्केबल कंक्रीट होती है वो पिचहत्तर से सौ एम mm होती है और जो आपकी हाई वर्कबल कंक्रीट होती है वो हंड्रेड से तो हमारी हाई वर्कबल कंक्रीट हो गई हंड्रेड टू वन फिफ्टी एम और वेरी हाई वर्कबल विल जो कंक्रीट होती है उसके लिए फ्लो टेस्ट किया जाता है और जो वेरी लो वर्केबल कंक्रीट होती है वो कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट से निकाला जाता है तो पॉइंट सेवन फाइव टू पॉइंट एट कॉम्पैक्शन फैक्टर होना चाहिए वेरी लो वर्केबल कॉन्क्रीट के लिए तो जो हमारा सीमेंट है उसका मिनिमम और मैक्सिमम कंटेंट कितना होना चाहिए किसी भी कंक्रीट में तो मिनिमम कंटेंट होता है दो सौ अस्सी की जो के जी पर मीटर क्यूब और जो ये मिनिमम कंटेंट होगा इसमें वाटर कंटेंट मैक्सिमम होगा पॉइंट फाइव फाइव और जो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट है वो चार सौ पचास किलोग्राम है और चार सौ पचास किलोग्राम में आपका जो वाटर कंटेंट होगा वो पॉइंट फोर होगा पॉइंट फोर इसके बाद है कवर ऑफ कंक्रीट तो कवर आपका जो आपका स्टील है उसको इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट से बचाने के लिए आपको कवर प्रोवाइड कराया जाता है तो आप इस फिगर में देख सकते हैं ये आपका रेनफोर्समेंट है इसके बाहर जो ये दिख रहा है लाइन्स ये आपकी कॉन्क्रीट हो गई तो इफेक्टिव कवर हो गया आपका जो ये ये एनफोर्समेंट है ये तो इस एनफोर्समेंट के सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट तक की डिस्टेंस और जो क्लियर कवर हो गया आपका जिसको नॉमिनल कवर भी कहते हैं तो वो आपका हो गया रेनफोर्समेंट के एक्सटर्नल पॉइंट से और जो आपका कंक्रीट का एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ तक तो इफेक्टिव कवर होता है क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ बार बाय टू जो आपकी डाया ऑफ बार है उसके सेंटर से आपका इफ़ेक्टिव कवर मेजर किया जाएगा और क्लियर कवर या जिसको नॉमिनल कवर कहा जाता है तो ये डिस्टेंस बिटवीन एक्सपोज कंक्रीट सरफेस टू द नियरेस्ट रेनफोर्समेंट बार जो सबसे नज़दीक की रेनफोर्समेंट बार है वहाँ तक की अब आपका जो कवर होता है वो मिनिमम कितना दिया जाना चाहिए तो हमारे बीम के लिए होता है ट्वेंटी फाइव एम एम ये आपका बीम के लिए कवर है उसी तरह आपके कॉलम के लिए कवर होता है फोर्टी एम एम आपके कॉलम के लिए फोर्टी एम एम का कवर दिया जाता है जो आपके जो रेनफोर्समेंट है उससे बाहर बाहर कितना कंक्रीट मोटा दिया जाएगा वो फोर्टी एम mm आपके कॉलम के लिए है और स्लैब के लिए पंद्रह एम mm है उसी तरह जो हमारी फुटिंग होती है फाउंडेशन फुटिंग तो उसके लिए आपका फिफ्टी एम mm दिया जाएगा फुटिंग के लिए और उसी तरह से आपका जो राफ्ट फाउंडेशन है जहाँ राफ्ट फाउंडेशन यूज़ होती है वहाँ पे सेवनटी फाइव एम का कवर दिया जाता है तो ये आपका राफ्ट फाउंडेशन है सेवेंटी फाइव एम और जो हमारा स्टेयर केस है वो भी आपकी एक स्लैब होती है तो उसमें आपके स्टेयर केस में पंद्रह एम mm का कवर दिया जाता है और जो हमारी रिटेनिंग वॉल है उसमें ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव एम का कवर दिया जाता है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कई बार पूछे जाते हैं और जो हमारा रिमूवल ऑफ होमवर्क है जो हम फॉर्म जो हम सेटरिंग देते हैं फॉमवर्क देते हैं वो कितने दिन में रिमूव किया जा सकता है तो जो हमारे कॉलम कौ, की साइड होती है वर्टिकल फॉर्मवर्क ऑफ कॉलम तो ये आपका सोलह से चौबीस घंटे में आप रिमूव कर सकते हैं सोफिट फॉर स्लैब तो ये थ्री डेज़ में कर सकते हैं सोपिट फॉर बीम ये सेवन डेज़ में कर सकते हैं और जो आपके प्रोप्स हैं तो जो हमारा सोफिट है हम उसको रिमूव कर सकते हैं लेकिन सोफिट के नीचे जो आपका सपोर्ट लगा हुआ है उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं तो ये आपके प्रोप्स होते हैं जो सपोर्ट हैं वो आपका स्लैब का अगर साढ़े चार मीटर तक की आपकी स्लैब है तो सात दिन में और साढ़े चार मीटर से ज़्यादा की स्लैब है तो चौदह दिन में आप प्रोप्स को रिमूव करोगे उसी तरह बीम के लिए है बीम अपर अगर आपकी छः मीटर तक के स्पान की है छः मीटर या छः मीटर से कम तो चौदह दिन और अगर आपकी बीम बीम अगर आपकी छः मीटर से ऊपर है छः मीटर से ज़्यादा लंबी है तो उसके लिए आपको इक्कीस दिन इक्कीस दिन के बाद आप जो आपके सपोर्ट लगा हैं अपने टेम्प्रेरी सपोर्ट वो हटा सकते हैं उससे पहले नहीं तो ये हमारा आर का चैप्टर जो पहला है ये कंप्लीट हो गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक like करें थैंक यू